Today we are going to start new practice set 1.2, exercise 1.2. Okay, so using truth table, सब आपको truth table solve करना है. इस practice set में आपको three types के question मिलेंगे. Using truth tables भी है, and then using truth tables for equivalence, logical equivalence के भी question है, and then last वाला जो है, so whether करना है आपको tautology, contradiction and contingency वाले question. Okay, so हर एक question में से मैं आपको एक एक question साइलेंटली पढ़ाता हूँ. ओके, सो लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी. फर्स्ट इज स्क्वेयर ब्रैकेट. ओके, देन कंडीशनल पी. देयर आर टू स्टेटमेंट पैटर्न विच पी एंड क्यू. ओके, सो देयर आर टू स्टेटमेंट पैटर्न. सो उसका फॉर्मूला है 2 raised to power. या सो यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स लेटर है. सो 2 raised to power 2. सो 2 raised to power 2 इक्वल टू 4. इसका मिलेंगे आपके पास फोर्थ रो बनेंगे. देखो आप, ये जो साइन है उसको बोलते हैं करेक्टिव. कंडीशनल वाला जो साइन है उसको हम बोल सकते हैं करेक्टिव. सो यहाँ पे फर्स्ट कनेक्टिव कंडीशनल है, सेकंड एंड है. सो कंडीशनल है ये. ओके, सो फर्स्ट हम इसके अभी सेपरेट लिखेंगे, उसका लेआउट फॉर्म बनाएंगे हम. सो फर्स्ट इसमें सिर्फ टू स्टेटमेंट पैटर्न से पी क्यू. सो सेपरेट करो, ये बना पी, ये हो गया क्यू. और नेगेशन पी नहीं है, नेगेशन क्यू भी नहीं है. सो कंडीशनल पी है, सो ऐसा कंडीशनल पी नहीं लिख सकते हम. सो अब क्या करेंगे, पी कंडीशनल क्यू वाला फॉर्म लिखेंगे. ये वाला जो हुआ पी कंडीशनल क्यू. देन अब आपको ये पूरा ब्रैकेट लिखना होगा, क्योंकि पी कंडीशनल क्यू आपने लिखा है. ये वाला पी कंडीशनल क्यू पूरा हुआ तो उसको कनेक्टिव एंड है ना, सो एंड क्यू के साथ है. सो आपको ये ब्रैकेट एंड क्यू ये दोनों ही फोर्थ नंबर के कॉलम में लिखना होगा. पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू. ओके, एंड देन लास्ट के कॉलम में आपको दोनों लिखना होगा जो क्वेश्चन है आपके पास. सो हम क्या करेंगे, अभी ये जो था इसको डिनोट करेंगे ए और इसको करेंगे बी. ओके, मींस ए वाला कॉलम और कंडीशनल पी के साथ ही, मींस ए हुआ बी वाला कॉलम. अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कंडीशनल वाला. सो ए कंडीशनल बी. ओके, ए कंडीशनल बी. सो देखो अभी, सो पी के कॉलम्स में ऑलवेज ट्रूथ वैल्यू टी टी ऑफ ये बात ये. सो टी टी ऑफ ऑफ, क्लियर. क्यू वाला जो कॉलम रहता है सो वो होता है टी ऑफ टी ऑफ, क्लियर. देन पी कंडीशनल क्यू मीन्स पी की तरफ से आपको क्यू की तरफ जाना है. और कंडीशनल के टेबल्स में एक रूल से याद रखो, 1 मिनट. कंजक्शन के टेबल्स में वंस रूल है टी एंड टी इक्वल टू टी. डिजेक्शन के टेबल्स में एक रूल है यफ और यफ इक्वल टू यफ. ये हुआ अदर्स ऑल ट्रूथ वैल्यू इज यफ, अदर ऑल ट्रूथ वैल्यू इज टी. और कंडीशनल टेबल्स का एक रूल से टी कंडीशनल यफ इक्वल टू यफ, अदर इज टी. और ये बाय कंडीशनल टेबल्स का वंस रूल है वो है टी बाय कंडीशनल टी इक्वल टू टी, यफ बाय कंडीशनल यफ इक्वल टू टी, अदर इज टी सॉरी यफ. ओके, सो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी. ओके, सो पूरा सेपरेट लिखा मैंने, पी क्यू देन पी कंडीशनल क्यू देन ये पूरा वाला ब्रैकेट देन
ये तो ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम है आपके पास, सो ये दोनों के बीच आपको कंडीशनल करना है, सो ये वाला ब्रैकेट ऑलरेडी आपके आपने लिखा है, सो वी डू नॉट इट्स ए एंड पी वाला जो है वी डू नॉट इट्स बी, ओके सो एक कंडीशनल बी, सो फर्स्ट ये आपकी कंडीशनल है, सो कंडीशनल का थर्ड नंबर वाला रूल देखो, टी कंडीशनल एफ इक्वल टू एफ है, सो टी कंडीशनल एफ यहाँ पे ये टी कंडीशनल एफ मींस ये होगा एफ, और देखो टी कंडीशनल एफ एफ है, अब टी कंडीशनल एफ नहीं है, एफ एफ टी है, लेकिन आपको क्या चाहिए टी कंडीशनल एफ चाहिए, ओके सो यही एफ रहेगा, अदरवाइज अदर ट्रूथ वैल्यू इज टी 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 मींस ट्रूथ वैल्यू, ओके अब फिफ्थ सॉरी फोर्थ नंबर वाला कॉलम देखेंगे हम, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू मींस ये वाला कॉलम है पी कंडीशनल, इसका कंजक्शन करना है आपको सेकंड नंबर वाले कॉलम के साथ, पी कंडीशनल क्यू का एंड करना है आपको सेकंड नंबर के कॉलम के साथ, अब दोनों के बीच एंड है तो सो फर्स्ट रूल्स देखो कंजक्शन वाला, सो टी एंड टी इक्वली टी है, अदर ऑल ट्रूथ वैल्यू इज यफ, सो टी एंड टी देखो फर्स्ट इस टी एंड टी टी यफ एंड यफ अदर ऑल ट्रूथ वैल्यू इज यफ, यहाँ पे टी एंड टी है सो टी टी एंड यफ है तो अदर ऑल इज यफ मींस फॉल्स वैल्यू, अब सॉल्व करेंगे हम लास्ट वाला क्वेश्चन सॉरी लास्ट वाला कॉलम ए कंडीशनल बी, अब ये जो है सो ये इसको मैंने ए डिनोट किया है एंड पी वाला फर्स्ट कॉलम है, सो वही कंडीशनल इज टू कॉलम एंड बी, सो फर्स्ट कंडीशनल का रूल्स देखो टी कंडीशनल एफ इक्वल टू एफ अदरवाइज टी, सो टी एंड एफ ऐसा है क्या फोर्थ एंड सेकंड वाले कॉलम में देखो सॉरी फर्स्ट वाले टी एफ टी 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 एफ है लेकिन आपको टी एफ ऐसा रिटर्न चाहिए सो ये भी होगा टी टी एफ दैट्स क्लियर यहां पे टी एफ है सो टी एफ इक्वल टू एफ या फिर एफ 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 टी, ओके ये वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर फर्स्ट जो क्वेश्चन है पूरा आपको सेपरेट लिखना होगा सेपरेट के साथ उसको पहले ये देखो कि यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न टू है सो टू का स्क्वेयर करने के बाद फोर आएगा, इसका मीनिंग आपके पास फोर्थ रो बनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके देन सेपरेट करने के बाद फर्स्ट ये रूल्स आप ध्यान से पढ़ो ये आपके माइंड में सेट हो गया सो कौन सा भी आप कॉलम सॉरी कौन सा भी आप टेबल सॉल्व कर सकते हो, कंजक्शन के टेबल में टी एन टी इक्वल टू टी होता है, डिजक्शन यफ और यफ इक्वल टू यफ अदरवाइज टी, कंडीशनल टी कंडीशनल यफ इक्वल टू यफ अदरवाइज टी, बाय कंडीशनल सेम सेम वैल्यू आएगी तो तब आप उसकी इक्वल टी लिखोगे अदरवाइज सब वैल्यू फॉल्स आती है, ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला है यूजिंग ट्रूथ वैल्यू,